आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की, बात करूंगा पोजीशन की, बात करूंगा मैं ईडी और सीबीआई की। जी हां, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है ईडी और सीबीआई की अपोजिशन के खिलाफ, जाहिर है कि वो तश्वीश का मामला बना हुआ है और अब अपोजिशन इस मामले को लेकर के मुत्तहिद नजर आ रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर के पार्लियामेंट में आवाज उठ रही थी, सड़कों पर लोग उतर रहे थे, लेकिन अब अपोजिशन की 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है और इसके जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, वो इसकी कयादत कर रहे थे। और 14 पार्टियां जिसमें कांग्रेस शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है और इसके साथ ही शिवसेना और तमाम दीगर पार्टियां इसमें शामिल हैं, और उन्होंने ये अपील की है कि ये जो सीबीआई की और ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये पर्टिकुलर अपोजिशन के खिलाफ हो रही है, इसको रोका जाए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को दाखिल कर लिया, मंजूरी दे दी है और अब इस पे 5 अप्रैल को समाप्त रखी गई है। जाहिर है कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरे मुल्क में इस वक्त ईडी को लेकर के खासतौर से हाहाकार मची हुई है, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, कहीं भी अगर आप देखेंगे गुजरात हो, हर तरफ चारों तरफ ईडी और सीबीआई का जाल जैसे बिछ गया हो। और खास बात यह है कि ईडी को और सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की पार्टियां दिख रही, लीडरान दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि अब कहीं फेयर एंड लवली का जिक्र किया जा रहा है तो कहीं वॉशिंग मशीन का जिक्र किया जा रहा है, जी हाँ, और उसको बीजेपी करार दिया जा रहा है, कहा यह जा रहा है और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं कि अगर आपको ईडी और सीबीआई से बचना है तो वाहिद उसका तरीका है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। आप जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आपके सारे गुनाह जो है वो एक मिनट में धुल जाएंगे, यानी आप बिल्कुल पाक और साफ हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो शायद इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है, ये क्या किया जा रहा है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जो 14 अपोजिशन की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, इस पर 5 अप्रैल को समाप्त होनी है। देखना यह है कि ईडी और सीबीआई पर अब लगाम लगती है या नहीं, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और खास तौर से हुकूमत का क्या रद्देमल होगा। ऐसा लग रहा है कि जब 5 अप्रैल को समाप्त होगी तो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर मरकजी सरकार को एक नोटिस जारी करेगा, और नोटिस जारी करते हुए पूछेगा कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या अपोजिशन के खिलाफ ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही, या इस किस्म के और सवाल हो सकते हैं। तो उसके बाद देखना होगा कि आखिर मरकजी हुकूमत की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है और क्या इस पर रोक लगेगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।